ये जानकारी मिली दोस्तों, जो मेरा कफील है उसकी पैदाइश यहाँ पे हुई थी। बोल रहा है एक शादी और करूँगा, तीन शादी ऑलरेडी करके बैठा बंदा। اطبخ في اي مكان يعني في المملكه في دبي في الامارات في الكويت روح هندية एक महीने पहले आया, नया है, एक इंडियन नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आज के हमारे नए ब्लॉग में। फिलहाल मैं तो आया हूँ रियाद से मजरे में, और मजरा से फिर जाना है गोइया। गोइया जो कि यहाँ से 50-60 किलोमीटर है। मेरे कफील के लड़का, मेरा कफील, दोनों आए हुए हैं, तो चाय वगैरह पी रहे हैं। मेरे को चाय तो गर्मी में क्या पीना है यार। अगर हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ एक चैनल को छोटा सा सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। इस भाई को ज़रा थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, आप लोग पे कृपा बरतेगा भगवान का, ठीक है दोस्तों। ये पपीता भाई पकने वाला है, लगता है पकने से पहले चोरी हो जाएगा, मुझे पता नहीं है, उम्मीद तो यही लग रहा है। ये ब्लू टी कितना है दोस्तों? देखो ब्लू टी, ब्लू टी किस लिए जा रहे हैं मुझे अभी तक कुछ पता नहीं है। शादी में जा रहे हैं कि कोई ख़त्म हो गया वहाँ जा रहे हैं, कुछ पता नहीं मुझे। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए, चलो चलते हैं गोइया। खैर वीडियो बन नहीं बन पाएगा रोड वाला ट्रिप का, क्योंकि इन लोग हैं भाई साथ साथ में। उससे पहले एक चीज़ और दिखाता हूँ आप लोगों को, कितना रेडी हुआ, कितना प्यारा लग रहा है अब, ठीक है। इसका कलर देखो कितना चेंज हो रहा है, कितना प्यारा खूबसूरत। बस वो पकने में काफ़ी समय अभी लग जाएगा तकरीबन, इस हिसाब से मुझे लग रहा है। ये देखो गिर भी रहा है, क्या हो गया, पक गिर रहा है कि क्या है? अब चल रहे हैं, वहीं दिखाएंगे क्या है क्या नहीं, बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। स्किप नहीं करना दोस्तों, स्किप करोगे पता ही नहीं चलेगा कहाँ मैं जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, ठीक है। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं। एक्चुअली मुगा क्या, मैं बोला कि यार गाड़ी मैं चला लेता हूं मजरे से, फिर बोला नहीं तू आते वक्त लेकर आना, और रियाज से बंदल यहां पे लेकर आया है, पहले रियाज से मजरे में, मजरे से फिर यहां पे वो ही ड्राइविंग किया, मैंने नहीं किया। फिर मैं बोला चल ठीक है, लेकिन यार ये गोइया से भी ज़्यादा दूर है। यहाँ का नाम मैं दिखाता हूँ दोस्तों, आप लोग नाम ये पढ़ सकते हैं, नखिलान नाम है, ठीक है, यही है नखिलान। अब यहाँ से मुझे घर जाना है, ठीक है, होम सेव करके रखा हूँ पहले से। अब देख लीजिए 212 किलोमीटर यहाँ से पड़ेंगे मेरे रूम तक, 2 घंटे 16 मिनट का रास्ता बता रहा है। मैंने अभी पूछा भाई यहाँ पे क्या फंक्शन है, क्या मतलब किस लिए आए हो तुम लोग? मुझे ये जानकारी मिली दोस्तों, जो मेरा कफील है उसकी पैदाइश यहाँ पर हुई थी, ठीक है, यहीं से फिर वो गया रियाद है, रियाद से फिर इतना बड़ा आदमी बना है, ठीक है। तो सब लोग अभी कावा चाय पी रहे हैं, खैर मैं तो पार्किंग लगा के बैठा हूँ। आगे का ये नज़ारा है, दिखाते हैं अभी, लेकिन बुलाएंगे ज़रूर, मुझे बिठाएंगे वहाँ पे, क्योंकि इतने दूर से भी आए ऑलरेडी और कोई है भी नहीं यहाँ पे, तो रिस्पेक्ट देते हैं। ये नहीं एक ड्राइवर है उसको छोड़ दिया या खली बली कर, बहुत से लोग हैं ऐसे करते हैं, लेकिन मेरे साथ ये सऊदी नहीं करता। लेकिन मैं जाता ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे कावा पसंद नहीं है, ना तो चाय पसंद है, तो बुलाते भले लेकिन जाता नहीं हूँ। दोस्तों एंट्री तो ले लिया भाई, अभी अभी पहुँचे हैं, खैर ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को तो पता ही होगा कितना किलोमीटर है, क्या है सिस्टम, तभी उन लोग बाहर बैठ के कावा चाय पी रहे, हमारे बस की बात तो है नहीं भाई साहब। उनके साथ बैठ पीता हूँ, बुलाया भी लेकिन मेरा दिल नहीं करता है, हमारे घर के जब रहते हैं ना तभी बैठता हूँ, इन लोग यार बात उत करते हैं, अभी मैं उन लोग के साथ में क्या इंटरफेयर करना। पार्टी की तरह बना हुआ है, मतलब पार्टी यहाँ पर कर सकते हैं, सोने के लिए नहीं,
ठीक है, तो दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा बना, कितना खूबसूरत। ये किचन में दो यमनी काम कर रहे हैं, बकरे बना रहे हैं बकरे। तो मैं उन लोग आए, मैंने पूछा हालचाल, थोड़ा मजाक मस्ती हुआ। बोलते हैं कि यार मेरे को आए हुए अभी तो बेचारों के एक लड़का है, उसको तो 1 महीना हुआ है, वो मजरे में रहता है, लेकिन हेल्प करने के लिए यहाँ पे आया हुआ, खाना बन रहा है। तो बोल रहा है कि मैं उधर जो मजरे में जो काम करता हूँ, वहाँ पे दो इंडियन हैं, उन लोग के साथ बनाता खाता हूँ। मैं बना दिया तो उन लोग भी खा लेते हैं, उन लोग बना दिया तो मैं भी खा लेता हूँ। मैं बोला हजम तो हो जाता है ना, हम तो इंडिया वाले हैं भाई, हम तो पूरा जब तक महक नहीं पूरा रूम में आएगा तब तक हम तो मानते ही नहीं खाना बना है, ठीक है। मैं बोला उस साहब ठीक है ना, तो बोलता नहीं ठीक है, मैं खा लेता हूँ, मुश्किल नहीं है, अभी मिलवाता हूँ, हो सकता है अगर वीडियो में आ जाए ना मिलवाता ज़रूर हूँ। ये टेबल जो दोस्तों दिख रहा है ना, इतना खूबसूरत दिख रहा है, पूछो मुझसे कि डिज़ाइन बड़ी खूबसूरत है यार। और ये देखो छोटे छोटे टेबल। भाई नाम सुनो इसका, अबू गालिब तबाख यमनी, अबाख फी अय मकान यानी फी المملكه फी दुबई फी الامارات फी الكويت। रोह हिंदी बात, रोह हिंदी इंशाल्लाह मصر। ये बोल रहा भाई मेरा नाम ये था जो आप लोग सुने हैं, बोलता है मैं खाना बनाता हूँ, मैं किचन सेफ हूँ एक तरीके से। ये खाना देखो बना चुका है अभी, और ये खाना मटन में है, मटन इधर है, और चावल धुल के लेकर आएगा, चावल डालेगा। नेम वदी, पूछो इसमें वदी 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 कम सर मुझे एक कबल कम सारी जी एक एक महीने पहले आया भाई, एक महीने पहले आया, नया है, एक इंडियन गुलाम भाई सो सोते सब अच्छा हुआ। और भाई ये दोनों साथ में रहते हैं, खाना बनाते खाते साथ में, यहाँ पे हेल्प के लिए आया है सभी मुसादा नफरी जी। बस मैं भी भाई मजरे पे ड्यूटी करता है, बाकी इधर आया बस हेल्प करने के लिए इस भाई के लिए। देखो इधर चावल है, कम नफर आ रही है बोली पैंतीस लोग के लिए चावल डाल दिया हाँ, बच्चे के और बड़े के साथ में लेके 35 लोग के लिए खाना बन रहा है। और ये इसका किचन है, कम सना सुगल अंदर बोल रही भाई 25 साल से ड्यूटी करते हुआ, इसका इस समय उम्र है 55 साल। बोल रहा है कि तीन औरतें हैं मेरे पास, बोल रहा है एक शादी और करूंगा, तीन शादी ऑलरेडी करके बैठा बंदा बोल रहा है, और 55 साल इसकी उम्र है, 25 साल सऊदीया में ऑलरेडी हो गए इसको ड्यूटी करते हुए, ठीक है। और अब देखो यमन से कब जाएगा पता नहीं है, मित्र वानते तीन या छह महीने बाद यमन जाएगा भाई बोल रहा है, देखते हैं। मैं तो बोला दूसरी बार आऊँ दिखना मत मेरे को, बोलता है कि नहीं दिखूंगा नहीं। ऑलराउंडर है कुल मिला के, कुछ भी काम करा लो। ये टैंकर चला था पानी वाला, तो बोलता है कि बोल दे उसमें कि किसी को टैंकर चाहिए तो मेरे से कॉन्टेक्ट करे। भाई कहाँ कॉन्टेक्ट करने को बोलूँ यार, बोल रहा है मैं सेफ बहुत बढ़िया हूँ, मैं खाना भी बहुत बढ़िया बनाता हूँ, देखता हूँ आज ये कैसा खाना बनाता है, चेक तो करूँगा, खाऊँगा जरूर मैं भी, ठीक है भाई। इधर देखो खजूर मैं लेकर आया था, वही खजूर है मेरे साथ लेकर आया था 20 कार्टून, और इसका छोटा मोटा किचन पार्टियों के लिए होता है, हाथ धुल भी कहीं मस्त हूँ। देखिए और वो किचन सेफ लोग। ओके दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा, खाना खाएंगे बस निकल जाएंगे, जाते जाते कम से कम 12 तो बज ही जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जय हिंद दोस्तों।